दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है वो है लीटर मापन पर। जो जैसे कोई बोली हम बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे आयतन वगैरह नापा जाता है, ठीक है फ्रेंड, तो उसको हम समझेंगे। इसमें दो तीन क्वेश्चन भी लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आसान है। लेकिन यदि कई बच्चों को ऐसा होता है समझ में नहीं आता है, तो आज हमने उसका वीडियो बना दिया है फ्रेंड्स। देखिए, वही मापें आपको याद रखनी है जो इससे पहले हमने लंबाई के वीडियो में मापें याद रखी थी। इसमें बस थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब 10 मिलीमीटर मिलते हैं, मतलब जो आपका मिलीमीटर होता है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होगी आपकी मिली लीटर, मीटर नहीं, सॉरी फ्रेंड, लीटर हो जाएगा, मिलीलीटर। तो देखिए, 10 जब मिलीलीटर मिलेंगे तो 1 सेंटीलीटर बनता है, सेम उसी की तरह है बिल्कुल। और 10 सेंटीलीटर मिलेंगे तो 1 डेसीलीटर बनेगा, और 10 डेसीलीटर मिलेंगे तो 1 लीटर बनेगा। तो यहाँ पे लीटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका मेन माना जाता है, मात्रक बोलेंगे हम, ठीक है। 10 लीटर मिलेंगे तो 1 डेका लीटर बनेगा, और 10 डेका लीटर मिलेंगे तो 1 हेक्टोलीटर बनेगा, और 10 हेक्टोलीटर मिलेंगे तो 1 किलोलीटर। तो कई बच्चे यहाँ पे 1 लीटर और किलोलीटर पे कंफ्यूज होते हैं, और ज़्यादातर यही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब ये फ्रेंड, जब 1000 मिलीलीटर मिलेंगे, मिलीलीटर तो बनेगा 1 लीटर, और जब 1000 लीटर मिलेंगे तो बनेगा 1 किलोलीटर। देखिए, 10, 20 और 10, मतलब 1, 2, 3 जीरो जोड़ना है। अब देखिए करते कैसे हैं, इसको सॉल्व बताते हैं फ्रेंड्स हम आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 250 मिलीलीटर है, इसको हमें लीटर लीटर में बदलना है। तो हमने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, इन ऐसे सवालों में क्या होता है, यदि कोई संख्या बड़ी है तो और बड़ी होगी, और छोटी है तो और छोटी होगी। अब कब होगी, यदि बड़ी चीज़ है तो बड़ी देखो, मिलीलीटर छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है, और ये लीटर बड़ा है, तो ये और छोटा होगा। तो देखिए, मिलीलीटर आपको मिलेगा इधर, हमें जाना है लीटर तक। तो देखिए कितना हमने सफ़र किया, 1, 2, 3 पर लीटर मिल जाएगा हमें। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसमें 250 में भाग दे देना है, 1, 2, 3, ठीक है फ्रेंड। आपको क्या करना है, ये 250 लिख लिए, इसमें भाग देना है 1000 का, सो ये 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड। जैसे ही 100 का भाग देंगे, आप सोच रहे हैं 25 से काट दें इसको, 25 चौके 100, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा नहीं करके आप क्या करें, आसान सा, 1, 2 जीरो है तो इससे काटो, ठीक है, और 0 रख दो इधर, मतलब दशमलव लगा दो इधर। 1, 2 जीरो है, उन 2 जीरो हो जाएंगे 1 अंक 2 अंक, यानी हमारा आंसर आ गया दशमलव के 25 और लीटर, ये हमारा 250 ml का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 मिलीलीटर को बदलना है लीटर में, अभी हाल सेम टू सेम, क्योंकि हमने मिलीलीटर को बदला है, तो 1 के बटे में 1000 कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 0 गिनना है, 1, 2, 3, यानी इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो देखो, 1 अंक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, दशमलव वो 0, ये काय में बदल गया फ्रेंड्स, ये लीटर में बदल गया। तो इस तरीके से हम बदल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला है हमारा, ये लीटर दिया हुआ है, लीटर को बदलना है मिलीलीटर में। अब ये चीज़ कैसी है, लीटर वाली बड़ी है, मिलीलीटर वाली छोटी है। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, मिलीलीटर इधर है हमारा, देखिए 10, 20, 30, ठीक है, मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो का अंतर है। तो ये बड़ी चीज़ है, देखिए लीटर, तो और बड़ी हो जाएगी, 1.62, इसमें गुणा कर देंगे, 1, 2, 3। जैसे गुणा करते हैं फ्रेंड, जैसे अभी हमने बताया, नीचे अगर बटे में हो तो दशमलव आगे खिसक सकता है, और अगर गुणा में कोई चीज़ हो फ्रेंड तो दशमलव पीछे खिसक सकता है। कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे तो 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, ये तो 2 अंक हो गए, देखिए दशमलव यहाँ लगा है, 2 अंक, एक और नहीं मिला तो 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, तो छोटी और छोटी हो जाएगी। अभी हाल हमने 1000 का भाग दिया, आपको क्या करना है, 24 47 में 1000 का भाग दे दीजिए। कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, यानी इधर से मतलब कितना जाएगा, इधर इधर और इधर, तो 0 यहाँ लगा दीजिए, मतलब हो जाएगा दशमलव 0, 24, 4, 7, और क्या हो जाएगा, लीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड यदि वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।